गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा क्लास 12 बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीपल एलील और रक्त समूह वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। अब हम पढ़ेंगे घातक जीन, बहुप्रभाविता और बहुजीनी क्या है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। घातक जीन क्रिया, लीथल जीन एक्शन, सबसे पहले इसको समझेंगे। अधिकांश जीन जीवों की उत्तरजीविता अर्थात उनके जीवित रहने की क्षमता को प्रभावित नहीं करते हैं, परंतु कुछ विशेष जीन जीव लक्षण के प्रारूप के साथ साथ उनकी उत्तरजीविता को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के जीन जो जीव की उत्तरजीविता को कम करते हैं घातक जीन कहलाते हैं। घातक जीन प्रायः अप्रभावी होते हैं तथा अपने घातक प्रभाव को केवल समयुग्मजी अवस्था में ही प्रदर्शित करते हैं। घातक जीन का प्रभाव अलग अलग समय में विकास की अलग अलग अवस्थाओं में हो सकता है। प्रकृति में यह प्रायः अप्रभावी घातक जीन ही उपस्थित हैं। वे जीव जिनमें प्रभावी घातक जीन उपस्थित हों उन जीवों की मृत्यु हो जाती है तथा घातक जीन का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण नहीं हो पाता है। अप्रभावी घातक जीन केवल विषम युग्मजी अवस्था में वाहक के रूप में उपस्थित होता है। अब प्रश्न उठता घातक जीन, लीथल जीन। लीथल जीन क्या है? कुछ जीवों में जो उनके जो जीवित रहने की क्षमता है ना, वो जो जीन्स हैं वो उनके जीवित रहने की क्षमता को निर्धारित या प्रभावित नहीं करते कि कोई कब तक जीवित रहेगा, लेकिन कुछ विशेष जीन इस प्रकार के भी पाए जाते हैं जो आगे उत्तर जीविता आगे जीवित रहने की क्षमता को प्रभावित करते हैं या उनके आगे जीवित रहने को कम करते हैं। ऐसे जीन्स को घातक जीन्स कहा जाता है। नॉर्मली ये क्या होते हैं? रिसेसिव होते हैं। ये पहले अप्रभावी होते हैं, ये इफेक्टिव नहीं होते हैं। और ये कब इफेक्टिव होते हैं? जब ये समयुग्मजी अवस्था में, यदि मतलब माता और पिता दोनों से इस प्रकार का जीन संतान में जाता है तब ये समयुग्मजी अवस्था में ही प्रदर्शित होते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? घातक जीन का जो प्रभाव है हमेशा एक सा नहीं होता, ये अलग अलग समय में विकास की अलग अलग अवस्थाओं में होता है। प्रकृति में अप्रभावी घातक जीन ही उपस्थित हैं। वे जीव जिनमें प्रभावी घातक जीन उपस्थित होते हैं उन जीवों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाते। तब जाते हैं, ये विषम युग्मजी अवस्था में ही वाहक होते हैं। अर्थात समयुग्मजी अवस्था में अगर ये मौजूद है तो जीव की मृत्यु हो जाती है, और अगर विषम युग्मजी अवस्था में उपस्थित है तो ये वाहक के रूप में कार्य करता है। वर्क जस्ट लाइक एज अ कैरियर, कैरियर के रूप में काम करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, दो नंबर के शॉर्ट नोट में आ सकता है कि घातक जीन्स किसे कहते हैं। आगे इसको देखें, इसको किसने खोजा? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एलकोनेंट। एलकोनेंट नाम के जो साइंटिस्ट थे उनने 1905 में चूहे के रंग की वंशागति का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि चूहे का जो येलो कलर है वो भूरे रंग के ऊपर ऊपर कैसा होता है? प्रभावी होता है, और एक जीन जो होता है बाय द्वारा नियंत्रित होता है। ये देखा गया कि समयुग्मजी मतलब सेम उस कंडीशन में पीले रंग के चूहे कभी भी प्राप्त नहीं होते, जबकि विषम युग्मजी पीले रंग के चूहों में परस्पर संकरण कराया और पीले भूरे रंग के जो चूहे हैं 2:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। इनमें से भूरे रंग के चूहे समयुग्मजी थे तथा पीले रंग के चूहे पहले के भांति विषमयुग्मजी थे। समयुग्मजी दशा में पीले रंग के लिए प्रभावी युग्म विकल्पी घातक होता है, अर्थात जब कभी भी वाय का कोई समयुग्मजी जीव उत्पन्न होता है तो स्वतः ही घातक लक्षण प्रकट होता है और जीव की मृत्यु हो जाती है। अतः लक्षण प्ररूपी अनुपात 4 नहीं मिले, कितने मिले इनको? 2:1 मिले, जो कि मेंडल के एक संकर अनुपात का रूपांतरण है। यहाँ देखें अपन, यहाँ विषम युग्मजी अवस्था में जब इनका क्रॉस कराया तो इनके जो गैमीट बने, तो यहाँ देखिए यदि वाई वाई मिल गए तो ये इस ग्रुप के जो चूहे थे वो क्या हो गए? मर गए। तो यहाँ पर येलो येलो और ब्राउन 2:1 का अनुपात हमको प्राप्त हुआ। तो ये है घातक जीन का। घातक जीन में पूछा जा सकता है कि घातक जीन के एक संकर क्रॉस के दौरान कितने रेशो का अनुपात प्राप्त होता है? तो आप ये याद रखिए 2:1, ये इंपॉर्टेंट है और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, समझते हैं बहुप्रभाविता।
प्लियोट्रॉपी। इसको समझने के पहले हम एक उदाहरण आपको देंगे और आप उसको समझेंगे। आप जब शाम को घर जाते हो, क्या करते हो? आपने टीवी ऑन की, टीवी देख रहे, फिर आपने अपना सेलफोन या मोबाइल दिखाया, उसमें अपना वर्क कर रहे। तीसरा आपने क्या कर लिया, एक कोई बुक खोल के रखी हुई है, ठीक है। और चौथा सबसे बड़ी बात, माँ ने आके आपको खाने की थाली दे दी। तो अब आप क्या कर रहे हो, एक साथ कितने काम कर रहे हो? टीवी पे भी आप ध्यान दे रहे हो, आप मोबाइल को भी कंट्रोल कर रहे हो, आप अपनी जो बुक है उस पर भी पढ़ रहे हो, उसका भी ध्यान दे रहे हो, और फोर्थ आपका, आपको जो मम्मा ने खाना ला के दिया आप वो खा रहे हो। मतलब एक हो आप, एक जीन, आप सपोज एक जीन, और कितने कैरेक्टर, तीन चार कैरेक्टर को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। तो एक से ज्यादा ट्रेट्स को जो कंट्रोल करता है, वो जो जीन कहलाता है, उसको बहुप्रभाविता कहते हैं। मतलब किसी एक जीन के बहुत, एक से अधिक लक्षण रूपी प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता को बहुप्रभाविता कहते हैं। समझेंगे इसको, किसी एक जीन की एक से अधिक लक्षण प्ररूपी प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता को बहुप्रभाविता कहते हैं, तथा ऐसे जीन बहुप्रभावी जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाते हैं। अगर हम देखें घातक जीन की जो वंशानुगति है, वो बहुप्रभाविता का बहुत अच्छा उदाहरण है। मनुष्य में एक वंशानुगत रोग होता है दात्र कोशिका अरक्तता, अर्थात सिकल सेल एनीमिया जो रोग होता है, उसमें एक प्रभावी जीन एस जो है वो समयुग्मजी अवस्था में रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा क्या करता है, साथ साथ ये कमजोरी, सिर दर्द, पीलिया, पेशी ऐंठन भी उत्पन्न करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है यदि एनीमिक होगा कोई व्यक्ति तो उसमें ये सारे को सिम्टम्स भी उपस्थित हो जाएंगे। प्लीहा हृदय और गुर्दे को भी प्रभावित करेगा। तो ये कैसा लक्षण हो गया, बहुप्रभावी लक्षण हो गया। मतलब है तो एक रोग समयुग्मजी अवस्था में, लेकिन वो कई रोगों को उत्पन्न कर रहा है। अन्य जीवों एवं पादपों में भी बहुप्रभावी जीन ज्ञात हैं, जैसे ड्रोसोफिला, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर टू। ड्रोसोफिला में श्वेत आंख का जीन जो है, आंख के रंग के अतिरिक्त मादा में शुक्र ग्राहिका के आकार को प्रभावित करता है। और एक एग्जाम्पल आपको क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि बहुप्रभाविता किसे कहते हैं, अर्थात एक जीन के द्वारा एक से ज्यादा लक्षणों को नियंत्रित या उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। और इसके उदाहरण अक्सर बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बहुप्रभाविता का उदाहरण दीजिए, तो आपको इसके एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए और आपको इसका मेन जो थ्योरम है, कॉन्सेप्ट है, वो मालूम होना चाहिए। और आप इस वाला उदाहरण जो मैंने आपको पहले दिया, उससे आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं हम बहुजीनी लक्षण। अभी क्या किया हमने, एक जीन बहुत सारे लक्षणों को कंट्रोल कर रहा था। अब अगर हम उदाहरण इसका याद करें बहुजीनी का, तो जैसे रस्सा खींच का गेम खेलते हैं कि एक तरफ कुछ बच्चे, दूसरी तरफ दूसरे बच्चे, और रस्से को खींचते हैं, और जो ज्यादा प्रभावी या ताकतवर होता है उस तरफ अपोजिट टीम आ जाती है, वो हार जाती है। तो सेम यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि ऐसा जब बहुत सारे जीन मिलकर के एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं, किसी एक लक्षण को दो या दो से अधिक जीन नियंत्रित करते हैं, उनको हम बहुजीनी लक्षण कहते हैं। तो समझेंगे कि ऐसे लक्षण दो, जो दो या दो से अधिक जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, तथा इन सभी जीनों का प्रभाव योगात्मक होता है, बहुजीनी लक्षण कहलाते हैं। इस प्रकार के लक्षणों पर जीन का प्रभाव जीन की संख्या पर आधारित होता है, अर्थात प्रभावी जीन की संख्या अधिक होने पर प्रभाव भी अधिक होगा, क्योंकि इन लक्षणों को लंबाई, भार, संख्या आदि की इकाइयों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, इसलिए इन लक्षणों को मात्रात्मक लक्षण कहते हैं। इनकी वंशागति को भी मात्रात्मक वंशागति कहते हैं। इस वंशागति की व्याख्या सर्वप्रथम जे कॉल रूटर ने 1760 में तंबाकू में, तथा एफ गाल्टन ने 1883 में मनुष्यों में की थी। निल्सन एली का नाम इसमें बहुत आता है बच्चों। निल्सन एली ने सर्वप्रथम मात्रात्मक वंशागति का प्रायोगिक प्रमाण किसमें दिया था, गेहूं के रंग में प्राप्त किया। तो बच्चों बहुजीनी को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि जितने ज्यादा प्रभावी जीन होंगे उनका जो प्रभाव है उतना ही इफेक्टिव बढ़ता जाता है, और ये बहुजीनी लक्षणों को हमेशा मात्रात्मक लक्षण कहा गया। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है बहुत, मात्रात्मक लक्षण और मात्रात्मक वंशागति से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में। इसकी व्याख्या सर्वप्रथम जे कॉल रूटर ने की, उनका नाम मत भूलिएगा। इसके बाद मनुष्यों में
एफ गाल्टन ने की थी। और निल्सन एरी का नाम क्यों याद रखेंगे? क्योंकि ये प्रायोगिक प्रमाण गेहूं के रंग में इन्होंने प्राप्त किया। तो थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें।